हेलो फ्रेंड्स, अगर रोज़ रोज़ एक ही तरह का नाश्ता बना के बोर हो गए हैं तो चलिए बनाते हैं गेहूं के आटे से और दो कच्चे आलू से बहुत ही चटपटा सा नाश्ता, जिसे बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। बस आप इसे 10 मिनट बना के तैयार कर सकते हैं और आप इसे बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। तो इस नाश्ता को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो कच्चे आलू लिया है। आलू को मैंने अच्छी तरह से छील लिया है और अब इसे हम ग्रेट कर लेंगे कद्दूकस से। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है और मैंने दो तीन पानी से इसे वॉश कर लिया है ताकि इसका सारा स्टार्च जो है वो निकल जाए। अब यहाँ पर हम लेंगे एक मिक्सिंग बाउल और इसमें मैंने लिया है 1 कप गेहूँ का आटा और इसी कप से नाप के आधा कप मैंने लिया है बेसन। अब इसमें हम डाल देंगे कुछ बेसिक से मसाले। तो यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा डाला मैंने भुना हुआ जीरा का पाउडर, हाफ चम्मच डाल देंगे हम हल्दी पाउडर, हाफ चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर और 1 चम्मच हम डाल देंगे इसमें भरकर आमचूर का पाउडर ताकि ये हमारा नाश्ता चटपटा सा बन जाए। और हम हाफ चम्मच डालेंगे इसमें साबुत जीरा। अब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटे हुए हरा मिर्च और साथ ही डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज। तो यहाँ पर मैंने प्याज का इस्तेमाल कम ही किया है क्योंकि इसे हम कच्चे आलू से बना रहे हैं। और साथ ही डाल देंगे इसमें बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। अब इन सब चीज़ों को हम पहले मिक्स कर लेते हैं और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका अच्छा सा घोल तैयार करेंगे। तो एक साथ हम पानी नहीं डालेंगे, बस थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स देंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी डालने से जो है नाश्ते में काफ़ी अच्छा सा स्वाद आ जाएगा और इसे भी मिक्स कर लेंगे हम। अब हमने जो आलू को ग्रेट करके रखा था उसे भी इसमें डालकर मिक्स कर लेंगे। तो मैंने कटे हुए आलू को अच्छी तरह से ग्रेट किए हुए आलू को इसमें डाल दिया है और इसे भी मिक्स कर लिया है यहाँ पे। तो ये मिक्स जो है हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। इधर हम गैस पे चलाएंगे तवा और यहाँ जब तवा हमारा गर्म हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे ऑयल और स्पैचुला की सहायता से हम अच्छी तरह से ऑयल को तवे पे फैला लेंगे। अब इसमें हमने जो मिक्सर बना के रखा था उसे इस तरह से फैलाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से फैला लेंगे इसे और अभी से हम सिकने देंगे एक साइड से। जब ये एक साइड से सिक जाए तो हम इसे पलट लेंगे दूसरे साइड। तो बहुत ही झटपट से आपका ये जो नाश्ता है बन के तैयार हो जाता है। बिल्कुल भी आपको समय नहीं लगेगा बनाने में। आप इसे बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं, झटपट से बन जाता है और काफ़ी अच्छा भी होता है, हेल्दी भी है क्योंकि हमने इसे गेहूं के आटे से बनाया है। तो सुबह सुबह अगर आपके पास समय कम हो तो आप झटपट से इस नाश्ते को बना सकते हैं और इसे खाने के लिए आपको सब्जी की ज़रूरत नहीं है। आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं या फिर सॉस के साथ या फिर चटनी के साथ। तो यहाँ पर हमारा एक नाश्ता जो है बन के तैयार हो गया है और यहाँ पर हम फिर एक और बना के आपको दिखा देते हैं इसी तरह से। फिर से मैंने तवा पे ऑयल डाल दिया है और हमने बैटर को इस तरह से फैला दिया है इसमें। अब अच्छी तरह से इसे हम सिकने देंगे एक साइड से। तो बस जब ये सिक जाए अच्छी तरह से तो इसे दूसरे साइड से हम पलट लेंगे और अच्छी तरह से उलट पलट के दोनों साइड से इसे पका लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ नाश्ता जो है बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। मैंने इसे सर्व कर लिया है प्लेट में। तो आप भी इस नाश्ते को बहुत ही झटपट से बना के तैयार कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कितना सा प्यारा सा कलर आया है, बहुत ही अच्छी तरह से बन के तैयार हुआ है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी के लिए एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आप इस नाश्ते को बनाएं और अपने मनपसंद चटनी के साथ सर्व करें।